हेलो एवरीवन, डिटेल रे डिस्कस करिबा आपनकर अपकमिंग ओएसएससी सीजीएल एग्जाम ता उपरे। ठीक अछि, आपन परीक्षा केमिति क्रैक करि परिबे ता उपरे हम डिस्कशन करि। को पॉइंट्स म आपनको हाइलाइट करिबे सेटा फर्स्ट देखै दोछि। देखो आज हमें कथावार्ता हबा ओएसएससी ओएससी अकाउंटेंट मेन ए पेपर आपन देखैबी सीजीएल टायर 2 ए सब जिंस म आपनको गोटे पॉइंट वाइज हाइलाइट करिबी छडौ। ता अगरु देखो तो बिल हमर 10टा बजलै नै 10टा 3 हिजि हला राति 10टा 3 तो इनफ मो पाखे मुझे फ्री अच्छी आराम से डिस्कशन करिया आपनो वीडियो एंड जाए देखूँ बहुत सारा पर्सपेक्टिव आपको क्लियर है ना। देख प्रथम कथ हूँ आम कि डिस्कशन बिगिन करिया आगे गोटे जिनस हूँ देखो स्ट्राटेजी वीडियो नुह एटा आउ स्ट्राटेजी आपंकर एग्जाम क्लीयर हेनी चाहे स्ट्राटेजी मु कहे चाहे भगवान चाहे उपर ब्रह्मासन स्ट्राटेजी दिंतु स्ट्राटेजी एग्जाम क्लीयर हेनी प्लानिंग करना जिनस हुए आपको एक्जिक्यूट करा पड़ो आपको वर्क पुट इन करा पड़ो प्लानिंग रु किसी भी जिनस हुए एक्जिक्यूशन रु हुए गोटे एक्जामपल देने आपको बुझेबी तापर हमें टॉपिक को मूव करिया। देखो नीरज चोपड़ा समस्त जानते हैं नीरज चोपड़ा को नीरज चोपड़ार डाएट तार डाएट इंटरनेट अवेलेबल गुगुल सर्च आपड़ तार डाएट पाई पारे कि दिन सारा कौन खाए है तार ट्रेनिंग से ट्रेनिंग कौन करे से आपको इंटरनेट में मिल जाव ट्रेनिंग से कौन करे तार कोच किए से आपको इंटरनेट में मिल जाव सब डाटा इंटरनेट अच्छे बट समस्ते नीरज चोपड़ा हो पारे कि हो पारे ना डिफरेंशिएटिंग फैक्टर कौन कौ जिन डिफरेंशिएट कर नीरज चोपड़ा को आगे कॉमन मैन को द एफर्ट ही इज पुटिंग प्लानिंग समस्त को जना अच्छे बट काम करा पड़ो बुझे एक्जिक्यूट करा पड़ो से एक्जिक्यूशन टा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर को पे अचीव कर कौटा किए नक स्ट्राटेजी समस्त को जना बुझे आपको वर्क पुट इन करा पड़ो हार्ड वर्क करा पड़ो एफर्ट देवा पड़ो सही आपको रिजल्ट देखो आम तारी कथबार्ता हाँ। सो मुझक बेसिक जिनसर स्टार्ट करी आउ सब पॉइंट्स आस्ते आस्ते हाइलाइट करना जी आप आराम से देखु टाइम अच्छे आम पाखे सफिशियंट जमा भी किसी स्किप करूँ बहुत पॉइंट्स इंपोर्टेंट जिन हाइलाइट करी आपको सिलेबस आम बेस टाइम नबानी बहुत जल्दी मुझको टॉपिक को मूव करजी सिलेबस समस्त पाखे थी सिलेबस आप समस्त जानते देखो यहीटा हूँ आपंकर प्लान एंड पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन को एग्जाम आपंकर ओएसएससी सीजीएल एग्जाम सेकेंड पे पेनटा पड़ेगा हाँ ये यहाँ हूँ आप ओएसएससी सीजीएल एग्जाम यार प्लान एंड पैटर्न कौन फर्स्ट स्टेज हूँ प्रीलिम एग्जाम 150 मार्क ठीक अच्छे आउ से स्टेज टू हूँ मेन एग्जाम आउ गोटे जिनस हूँ कैंडिडेट्स नंबरिंग अ मिनिमम ऑफ 5 टाइम्स ऑफ द वैकेंसी कैटेगरी वेज शैल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर मेन रिटन एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन मार्क्स सिक्योर्ड इन प्रीलिम एग्जाम 5 टाइम्स शॉर्टलिस्ट हे आपंकर मेन काम हूँ प्रीलिम शॉर्टलिस्ट हवा सेठी सेटा होची मेजर चैलेंज प्रिलिम जो शॉर्टलिस्ट हो गले ताहले मेनटा प्रिलिम भाया एत चैलेंजिंग हम नहीं आप प्रिलिम क्वालिफाई करा ही सब बड़ा चैलेंजिंग टास्क बुझे कहीं प्रिलिम रे आपर अपीयर करेंगे ओएससी सीजीएल अप्लाई करेंगे 2 लाख प्लस पिला ता भितर वैकेंसी जो अच्छी वैकेंसी रा 5 टाइम्स पिला शॉर्टलिस्ट हे मेन पई हला फर्स्ट आम प्रिलिम पर फोकस करिया तापर आम मेन को मूव करिया हला मेन रे तो आप जानते 2 पेपर्स पेपर 1 होची आपर लैंग्वेज से पेपर 2 हूँ जनरल स्टडीज आज मैंने ऑडिटर पोस्ट अप्लाई करडिटर है ऑडिटर पर आपंकर मैथमेटिक्स यहाँ मुझे देखेबी मैथमेटिक्स ऑलरेडी ओएसएससी सीजीएल 2022 मैथ पेपर मुझे मो चैनल सॉल्व कर मेन रेन एग्जाम जो 100 मार्क है तार मैथ पेपर मुझे अल्जेब्रा अरिथमेटिक मुझे कर आसिया आम है ये गला आउ टे खाली मार्क ब्रेकअप चेक करदे आम नेक्स्ट पॉइंट को मूव कर दिए आप आराम से सब जिन देख देखो आप मार्क ब्रेकअप है 2022 जो भाया होता यहाँ प्रिलिम पाई है 150 मार्क 150 क्वेश्चन आरिथमेटिक आप 30% है 30% आसो मैंने 45 मार्क 45 क्वेश्चन डाटा इंटरप्रिटेसन आप 20% दिस इज 30 मार्क्स 30 क्वेश्चन प्रति क्वेश्चन हूँ 1 मार्क यहाँ हूँ 24% कौन लॉजिकल रीजनिंग आउ जनरल मेंटल एबिलिटी एटा ही सब इम्पोर्टेंट पार्ट जो गोटे पिला फुल स्कोर कर पार फुल बुझे ये मुझे पॉइंट को आपको आसबी है प्रथम प्रिपेरेसन बिगिन कले आम स्टूडेंट जो मैंने चैनल फॉलो कर प्रथम जिनस रीजनिंग पार्ट आपंकर फुल हवा दरकार रीजनिंग कम्प्लीट हवा दरकार रीजनिंग हूँ सब इजिएस्ट सेक्शन और रीजनिंग गोटे पिला फुल मार्क रखा के 24% देखो बिले 150 मार्कटा हूँ 100% ठीक अच्छे 100% 1% 1% 1.5
ताहले 24 इंटु 1.5 केते 24 इंटु 1.5 केमती मल्टीप्लाई करिवे 24 इंटु 1 हो 24 0.5 हो 24 रे हाफ 12 12 प्लस 24 के 36 ता माने 36 मार्क 36 क्वेश्चन कहार रीजनिंग रा एटा आपनकर फुल हे जीवो कंप्लीट है ना यदि टिके एफर्ट देबे ताहले तापर करंट अफेयर्स एटा होची 12% 1.5 इंटु 12 होची 18 केमिति बिले करचू मल्टीप्लाई 1.5 माने देखंत 12 इंटु 1 होची 12 0.5 होची 12 रो आधा 12 प्लस 6 18 बुझिले 18 मार्क 18टा क्वेश्चन कंप्यूटर एंड इंटरनेट अवेयरनेस या धेरे बी आपनकर फुल रहिवो एटा होची 14% 1.5 इंटु 14 केते 14 इंटु 1 14 ता हाफ होची केते 7 माने 21 21 क्लियर होची 21 मार्क्स 21 क्वेश्चन है ना तो एठी गोटे जिंस आपन क्लियर होतो ए जिंस भितरु अरिथमेटिक डीआई रीजनिंग करंट अफेयर्स और कंप्यूटर अवेयरनेस एठु गोटे जिंस आपन क्लियर होची कोन ए एग्जाम टा क्लियर करी आपन पई रिलेटिवली इजी काहे ना एठी इंग्लिश नाही एठी लैंग्वेज जिंस नाही इंग्लिश नाही कि ओडिया नाही इंग्लिश असुविधा कोन हुए एठी जति की पेपर अछि जति की मैथ हो डीआई हो रीजनिंग हो करंट अफेयर्स हो कंप्यूटर अवेयरनेस हो आंसर जणा अछि माने आपन मार्क करिवे मैथ रे आपन को आंसर बाहरिबो आंसर बाहर हो कि नहीं आप जानपर आंसर ठीक अच्छे कि नहीं सेम विथ रीजनिंग सेम विथ आपंकर डीआई करंट अफेयर्स आंसर जानते जो मार्क करेंगे कंप्यूटर भी सैया इंग्लिश गोटे एमती सेक्शन जो आप सियोर हो पारे आ बहुत टाइम दरकार इंग्लीश्रे इम्प्रूव करा बुझे बहुत टाइम दरकार इंग्लीश क्या लांगुएज इंग्लीश हो कि ओडिया हो सर लांगुएज पेपर्स लांगुएज ना से आपलीम आपड़ी एफर्ट हार्डवर्क जब करीम आप क्लीयर करना पलिए डेफिनेटली किसी माने सेकंड थॉट नहीं बुझे से जिनस मुझे एम्फासाइज कर क्लीयर तापर को आम आसिया है से पॉइंट को मुव कर प्रिलिम हम कम क्लीयर प्रिलिम क्लीयर हाँपाई ब्लाकबोर्ड को आसपे प्रिलिम क्लीयर हाँपाई आज आई सेड कौन प्लानिंग रु किसी हम नहीं बोले प्रिलिम प्रिलिम जब आप क्लीयर कर प्लानिंग स्ट्राटेजी किसी ना सिंपल गोटे जिनस हूँ एफर्ट एफर्ट प्रैक्टिस इनफ प्रैक्टिस केमिति सबुदिन मैथ मैथ आपंकर डेली 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन कौटू प्राक्ट करेंगे कहे आपको जोठू कह से करेंगे डीआई डीआई डेली 4 सेट 4 सेट्स एवरीडे 4 सेट्स ताल स्पीड बिल्ड हो बहुत सारा सेट्स को आपंकर एक्सपोजर हो पाइचार्ट गेम सल्व करेंगे डबल पाइचार्ट गेम सल्व करेंगे बार ग्राफ गेम सल्व करेंगे स्पाइडर चार्ट गेम सल्व करेंगे आपंकर सब जिनस है टेबल्स केमी ये करेंगे केमती कैलकुलेशन क्विक हम विथ प्राक्ट आसपर रिजनिंग रिजनिंग भी आपंकर कम्प्लीट मानने गोटे सेट देखिए कौ सेट से रिव करी और करंट अफेयर्स और कंप्यूटर तो आप पढ़े कौट करेंगे प्राक्ट प्रथम इनिशियल प्राक्ट आपठ करेंगे इनिशियल प्रैक्टिस आपंकर हम एउट एटा हो देखंतु एटी मार्क करंतु कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2021 ठीक अछि टोटल पेज केते अछि एटी 684 आपन दिसतुबो हला एटा कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2021 दिसतुबो आपन को एटी हला 2021 पेपर एटा हला प्रैक्टिस आपन एउट बिगिन करिवे सबु दिन गोटे सेट कंप्लीट करा हबो डेली गोटे सेट एठु आपन करिवे सबुदिन गोटे सेट मैथ्रे आपको 45 50 क्वेश्चन मिले आधे है सबुदिन जो पिला कर तार हम एग्जाम क्लीयर स्ट्राटेजी किसी ना एफर्ट जे दबो से सी क्लीयर कर या प्राक्ट जमी आम स्पीड बिल्ड हो प्राक्ट करना सेमती आपको भी सेमती हम है शुणु कम्प्लीट कौन सबुदिन यार भितर 40 सेट 684 पेज अच्छी सो यार धीरे कम्प्लीट गोटे मैथ सेट कम्प्लीट कराव गोटे रिजनिंग सेट यू कम्प्लीट कराव ठीक अच्छे गोटे रिजनिंग सेट आपर एठ कराव कम्प्लीट ठीक अच्छे यहाँ मुझे देदेवी टेलीग्राम अलरेडी देखी आउ थे फरवर्ड करदेवि टेलीग्राम तो यहाँ आप करेंगे सेकेंड जिनस कौन करेंगे आप यहाँ जी सरला जदि से कहली सोर्स आपन को सोर्स कहली सोर्स आप कहली ओएसएससी सीजीएल 2021 ओएसएससी सीजीएल 2021 ऑल शिफ्ट्स सबुदिन मर्णिंग उठले मैंने मैथ्र गोटे सेट करा हबो रिजनिंग गोटे सेट करा हबो सेठी आपन सेटा हला हला तापर रिजनिंग कोठु प्रैक्टिस करिवे हला फर्स्ट आपन कहिवे कि रिजनिंग आपन कोठु प्रैक्टिस करा दरकार रिजनिंग आपन करिवे प्रैक्टिस एउठ वीडियो एंड जाय देखंतु पिले बहुत जिंस मते कवर करय छ वन सेकंड पर
SSC CGL Tier 1 PDF 2022 करंतु 2023 करंतु तो एठी आपण आसीबे जोठो आपण को PDF डाउनलोड करय छै आपण सेवटु करि परिबे हम तो एग्जाम मिक्स को मासली ठीक अछि डिफरेंट शिफ्ट्स रो PDF थिवो हला देखंतु एठी देखो सब आपण को एठी मिलि जिवो हला टायर 1 एठी डिफरेंट शिफ्ट्स रो PDF आपण मिलिवो हला जदि सरला आपण को OSS CGL पेपर सॉल्विंग तापर एउटु स्टार्ट करा हबो काहे के करिया आपण पचारिबे कि सर काहे केमति करिया हम SSC CGL पेपर काहे सॉल्व करिवो सेटा भी आपण को रीजन मु देबी सब जिंस रीजन आपण को दिया हबो हला एटा होछि बिले इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा दिसतु आपण को नवीन पटनायक का फोटो हला एठी आपण जदि नोटिफिकेशन चेक करिवे सर्कुलर आपण को परीक्षा एथर करिवो TCS एथर जो OSS CGL परीक्षा हबो ताको TCS कनेक्ट करियो टायर 1 देखै दउछि मु नने पिला विश्वास करेंगे देखो 2/8/2023 है कहना वीडियो एंड जाए देखो तो बहुत इनफर्मेशन आपको मिली है बहुत जिनस आप जानपरेंगे देखो टायर 1 कंडक्ट कर TCS टायर 2 कंडक्ट कर किए सीफी है सीफी आउ एडुक्विटी कैरियर टेक्नोलॉजीज आउ सतपथ इन्फोसोल प्राइवेट लिमिटेड है ये कंडक्ट करेंगे एग्जाम आपंकर अलरेडी कंडक्ट कर स्टार्ट करदे भी आपको देखिए प्रूफ है सो टायर 1 कर TCS TCS करुच्च आपर OSS CGL से ही TCS करुच्च SSC CGL से ही TCS करुच्च बैंकिंग SSC CGL गोटे भल बेंचमार्क हम आप बुझे आपटा सल्व कले आपर गोटे मैंने डेवलप हम प्राक्ट बुझे सो पॉइंट बिंग द पॉइंट बिंग SSC CGL 2022 करूँ कि 2023 पेपर करूँ आप सल्विंग एवटू स्टार्ट करेंगे दिस इज प्रपर प्राक्ट फर यू है टायर 1 आप देखिए बहुत सारा वेबसाइट थी जो पेपर आभेलेबल थी आपके आराम से गूगल में सर्च करेंगे चेक करेंगे कौ वेबसाइट में आपको पेपर्स अवेलेबल अच्छे डिफरेंट शिफ्ट्स अवेलेबल थी यूठ आप करेंगे है टायर 1 करेंगे टायर 2 करेंगे ठीक अच्छे टायर 2 करेंगे ये आपको DIB मिल बुझे टायर 1 DIB मिल रिजनिंग मिल एप्टीट्यूड मिल भल लेवल जिन मिल भी आपको ट्राए करी सबुदिन 50-50 क्वेश्चन कराया जमीन मुझे कराए मुझे ट्राए करी रिजनिंग आउ मैथ मो आड़ कराया आस्ते आस्ते चैनल सेसन मैंने इनक्रीज कराइव देखते बिल्कुल आउ टे आम डिस्कस कर पाठ उपर ये जो खाली प्लानिंग तो किसी हुए नहीं आपके पाठ उपरे डिस्कशन करापर आम पुणी आसिया प्लानिंग उपरको टिके कहीं जेहेतु आम कौन ना ये एंटरटेनमेंट चैनल नुह है यहाँ हूँ स्टडी चैनल टी पाठ उपरे डिस्कस करापर आम आसिया पुणी स्ट्राटेजी को देखते आपको प्रिपेरेसन कौ भाया हवा दरकार मुझे कहली रिजनिंग में फुल मार्क आप रखिए आप दरकार कौन आटीच्यूड एंड आटीच्यूड सहित कौन दरकार डिसिप्लिन आटीच्यूड सहित दरकार आपको डिसिप्लिन यहाँ कहीं लिखिली दुटा वार्ड आपको कहीं लिखिली तार कुछ तार गोटे रिलेवेंस अच्छे यहीपाई लिखिली आपन कहले ये वार्डर प्लेस वैल्यू मत कहले अल्फाबेट अल्फाबेट प्लेस वैल्यू रिजनिंग प्रथम जिनस ये आप करेंगे रिजनिंग सिलेबस डाउनलोड करेंगे गूगल रु SSC CGL रिजनिंग सिलेबस डाउनलोड करेंगे गूगल सर्च देखेंगे आपको बट फर्स्ट ये प्लेस वैल्यू कहूँ तापर आम से मुव करा देखो यहाँ हूँ यार प्लेस वैल्यू 1 टी रोचे 20 केमती मुझे सांगे सांगे यहाँ हूँ 9 टी रोचे पुणी 20 यू रोचे 21 डी रोचे 4 इ रोचे 5 बुझे यहाँ लिखे प्लेस वैल्यू टी एडिशन कले बिले 60 9 9 1 10 30 ता माने 60 प्लस 10 70 प्लस 30 टोटल समेशन हो 100 ये मार्क कले डी डी प्लेस वैल्यू के अल्फाबेट प्लेस वैल्यू 4 शुणु प्रपर्ली आई रत पे आई रोज 9 एमती स्पीड लिखा पड़ो यहाँ आपको मानते मिनिमम 7-8 क्वेश्चन आपको दब 7-8 क्वेश्चन से आपको यही प्लेस वैल्यू मैंने इस्तेमाल हे चाहे लेटर सीरीज हो चाहे मैंने आपंकर कोडिंग डिकोडिंग हो बहुत जगह हेल्प हो रिजनिंग दिस इज द मेजर पार्ट ये देखो एस रत एस रोज आपणकर 19 एस रोच 19 सी रोचे 3 आई रोचे 9 पी रोचे 16 एल रोचे 12 आई रोचे 9 एन रोचे 14 यार रोचे 5 ठीक एडिशन कले बेले 13 19 के 32 32 प्लस 3 35 35 प्लस 9 हूँ के 44 44 प्लस 16 60 60 प्लस 12 72 72 81 95 100 तो या प्लेस वैल्यू भी 100 बुझे तो 100% आपको लाइफ में जब डिसिप्लिन अच्छी आटीच्यूड अच्छी 100% सक्सेस आपको जीवे पाठ सहित आम टे मोटेसन जिस बुझे आम
ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଦରକାର ଆପଣଙ୍କୁ। ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ କି କିଛି ବି ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ଡିସିପ୍ଲିନ୍। ଯେଉଁଦିନ ଇଚ୍ଛା ହେବନି ସେଦିନ ବି ନିଜର ରୁଟିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିବାର ଅଛି। ପୁରା ଜବ୍ ଟାଇପ୍ର ଏଇ ଜିନିଷ ମୁଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କହେ, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି କି ୟୁ ଆର୍ ଜବ୍ଲେସ୍, ଆପଣ ଏ ଜିନିଷ କେବେ ଭାବିବେନି। ଟିକେ ବିଲେ କିଛି ପିଲା ରାଗୁଥିବେ କି ସାର୍ କାହିଁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ସ୍ପିକର୍ ନୁହଁ, ଆମେ ତ ଟିଚର୍, ବଟ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ 2-3 ମିନିଟ୍ସ ନେବି ଟିକେ ମୋଟିଭେସନ୍ ପାଇଁ, ତାପରେ ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ ପଳେଇଆସ ଷ୍ଟଡି। ଦେଖ ଆପଣ ପିଲେ ଭାବନ୍ତୁନି କି ୟୁ ଆର୍ ଜବ୍ଲେସ୍, ଏଇଟା ଭାବନ୍ତୁନି। ଆପଣ ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ଜବ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ଜବ୍। କେଉଁ ଜବ୍ରେ? ଆପଣଙ୍କ କାମ ହେଉଛି ମର୍ଣ୍ଣିଂ 10। ଯଦି ଆପଣ ଜବ୍ କରୁଥାନ୍ତେ, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଟାଇମିଂ କ'ଣ ଥାଏ? 10ଟାରୁ 6ଟା। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ କଲେଜରୁ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ପାଇଲେ କି ଅଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ପାଇଲେ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ ଜବ୍ କରୁଥିବେ ହେଲା କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ କରୁଥିବେ, ଯେଉଁ ଯାହା ବି, ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ ମୋଷ୍ଟଲି 10ଟାରୁ 6ଟା ଥାଏ। ଏଇ ଟାଇମ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ବି ୱାର୍କିଂ ଟାଇମ୍ ହେଲା। ନେଭର୍ ଥିଙ୍କ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ଆର୍ ଜବ୍ଲେସ୍। ଆପଣ ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବା। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ରାକ୍ କରିବା ବି ଯେଉଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ଟା, ଇଟ୍ସ ଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଜବ୍। ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥାଉ, ଯେମିତି ଜବ୍ରେ ଇଚ୍ଛା ଥାଉ ନଥାଉ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥାଉ ନଥାଉ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଡିସିପ୍ଲିନ୍। ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ମାନେ ସକ୍ସେସ୍ ଏଇଥିପାଇଁ ପାଆନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଇଚ୍ଛା ଥାଉ ନଥାଉ ସେ କାମ ସେମାନେ କରିବେ। ନୀରଜ ଚୋପଡ଼ା ହୋଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର, ଯେଉଁ ଇଏ ସ୍ୱିମର୍ ମାଇକେଲ ଫେଲ୍ପସ୍ ଶୁଣିବେ, ସେ ସବୁବେଳେ କହିଥିବ କି ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥାଉ ନଥାଉ ମୁଁ ଯିବି ଯାହା ବି ହେଲେ ପାଣିକୁ ଯିବି ହେଲା। ସୋ ସେଇ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ସକ୍ସେସ୍ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଉ ନଥାଉ ମୁଁ ଏଫର୍ଟ ଦେବି, 10ଟାରୁ 6ଟା ଆପଣ ଲେଖିବେ। ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, ଷ୍ଟାର୍ଟ ରାଇଟିଂ ଲେଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, ମାଇଣ୍ଡ ଅଲଗା ଥଟ୍ସ ଆସୁଛି, ଷ୍ଟାର୍ଟ ରାଇଟିଂ। ପଢ଼ିଲେ ଇଚ୍ଛା ହେବନି, ଲେଖିବା ହାତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଚାଲିବା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଯିବ, ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ, 10ଟାରୁ 6ଟା ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାଇମ୍, ଏସ୍ଟିଟା ହେଉଛି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାଇମ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାଇମ୍ ବୋଲେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାଇମ୍ ଆଭଏଡ଼୍ କରିବେ। ମାନେ କ'ଣ? ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖିବା କି ଏନି କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିବା ଆଭଏଡ଼୍ କରିବେ। ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ସିମ୍ପଲ୍ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି କରିବେ, ଆଉ ତାକୁ ଲେଖିବେ ହେଲା, ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେବେ। ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ମେକ୍ ସିଓର ଆପଣ ରାଇଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଜବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନନ୍ ୱାର୍କିଂ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଅଲଗା ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ରହିଲା, 10ଟାରୁ 6ଟା ପରେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ରହିଲା, ତା ଦେହରେ ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖାଦେଖି କରନ୍ତୁ, ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଲେକ୍ଚର୍ସ ତା ଦେହରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ୱାର୍କିଂ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ଏକ୍ସେଟ୍ରା ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ ହିସାବରେ ଟାଇମ୍ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରିବେ। ଠିକ୍, ଟିକେ ବେସିକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇଡ଼ିଆ ଦେଲି, ଛାଡ଼ ଏଇଟା ଗଲା ରିଜନିଂରେ। ଆଉ 2-3 ଜିନିଷ ଆପଣ ପଚାରିବେ, ଏଇଟା ତ ବେସିକ୍ ଜିନିଷ। ହଁ, ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ମାନେ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ପିଲେ, ଯେଉଁ ପ୍ରେସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ଏଗୁଡ଼ା ବେସିକ୍ ଜିନିଷ। 2-3 କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବା, ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟକୁ ମୁଭ୍ କରିବା। ଧରନ୍ତୁ ଆଜି ଡେଟ୍ କେତେ ଅଛି ପିଲେ? ଡେଟ୍ କେତେ ଅଛି ଆଜି? କେତେ? 30। ଏଇଠି ଆମ ଡେଟ୍ ଦିଶୁଥିବ ଅଲରେଡ଼ି ସ୍କ୍ରିନ୍, ଆଜି ହେଉଛି 30th October। ନାଇଁ, ଓକେ। କାମ କରିବା ପିଲେ, ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ପଚାରିବି ହେଲା, ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକୁ ତ ଆମେ ଯିବା ହିଁ। 30th, ଆଜି 30th October ଅଛି ହେଲା, 30th October, ଲେଟ୍ ସେ 1989, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା କେଉଁ ଡେ ମୋତେ ଆପଣ କହିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି କେଉଁ ଡେ? 100% ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିବ, କ୍ଲକ୍ରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିବ, ଆଲଫାବେଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଭ୍ୟାଲୁରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିବ ହିଁ ଥିବ ହେଲା। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ଆପଣ କରିବେ, ମୋତେ କହିଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେବ ଆନ୍ସର୍, କେମିତି କରିବା? ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, 31st ଡେଟ୍ ଲେଖିବେ, 30 ଅକ୍ଟୋବର। ଅକ୍ଟୋବରର କୋଡ଼୍ କେତେ? ଅକ୍ଟୋବରର କୋଡ଼୍ କେତେ? ମନ୍ଥ କୋଡ଼୍ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କେମିତି କାଲକୁଲେଟ୍ କରାହୁଏ, January 1, February 4, January 025, 036, ତାପରେ 146। ଏଇଟା ହେଉଛି ଜାନୁଆରୀ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଫେବୃଆରୀ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ, ଏପ୍ରିଲ, ମେ, ଜୁନ୍, ଜୁଲାଇ, ଅଗଷ୍ଟ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ଅକ୍ଟୋବର, ନଭେମ୍ବର, ଡିସେମ୍ବର ହେଲା। ଏଇଟା ହେଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ। ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ପିସ୍ ଅଫ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଟପିକ୍ ପଢ଼େଇ ଦେଉଛି 5 ମିନିଟ୍ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗଲା ମନ୍ଥର କୋଡ଼୍ ଗୁଡ଼ା, ତାପରେ ସେଞ୍ଚୁରୀ କୋଡ଼୍, 18, 19, 20, 21 ହେଲା। ଏଇଟା 18th century, ଏଇଟା 19th century, 20th century, 21st century, 3165 ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଞ୍ଚୁରୀ କୋଡ଼୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ହାର୍ଡ଼ଲି 30 ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗିବ ହେଲା। କୋଡ଼୍ ଖାଲି ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି ଆପଣଙ୍କ ନଲେଜ୍ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, 30 ହେଉଛି, ଅବିକା ଆମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି। 30 ଅକ୍ଟୋବରର କୋଡ଼୍ କେତେ ପିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଅକ୍ଟୋବରର କୋଡ଼୍ କେତେ? 1। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଞ୍ଚୁରୀର କେଉଁ ଇୟର୍? 89th ଇୟର୍, ଠିକ୍ ଅଛି। 89th ଇୟର୍, 89th ଇୟର୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଅବିକା ଏଇଟା କେଉଁ ସେଞ୍ଚୁରୀ? 1989ଟା କେଉଁ ସେଞ୍ଚୁରୀ? 20th century, ଦିସ୍ ଇଜ୍ 20th century। 20th century ମାନେ ତା କୋଡ଼୍ ହେଉଛି 6, ଏଠି ଲେଖିଲି ମୁଁ 6, ଠିକ୍, 6। ଅବିକା ଦେଖିବେ 89 ଇୟର୍ସ ହେଲା, ତା ଭିତରେ ଲିପ୍ ଇୟର୍ କେତେଟା? ମାନେ 89 ଲିପ୍ ଇୟର୍ କେମିତି ବାହାର କରିବେ? ବାଇ ଫୋର୍ କଲେ କେତେ? 22ରେ କଟୁଛି, ତାମାନେ 22ଟା, 22। ଅବିକା ସିମ୍ପଲ୍ 7ରେ ରିମାଇଣ୍ଡର୍ ନିଅନ୍ତୁ, 7ରେ ରିମାଇଣ୍ଡର୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା କଲେ କେତେ? 28 ହେଉଛି 7ର ମଲ୍ଟିପୁଲ୍, 2 ରିମାଇଣ୍ଡର୍, ଏଠି 1, ଏଠି କେତେ ଆସୁଛି ବିଲେ? 12 ହେଲେ 12 7 କେତେ? 84 ନା, ତାମାନେ ଏଠି 5 ଆସୁଛି ରିମାଇଣ୍ଡର୍ ହେଲା। 6 ମାନେ ଏଠି ତ 6 ଆସିବ,
बाईस माने एक सात मल्टी एक आड कर दिंतु पाँच दुई सात 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 मल्टीपुल कैंसल कर दिंतु सात सात एक आठ आसला आठ आठ बाय सात रिमाइंडर हूँ एक एक रिमाइंडर एक रिमाइंडर हेल्ले कौटे मंडे दिस इज मंडे एटा कौटे दिस इज मंडे ठीक अच्छे चेक करदे टी टे आम गूगल रे सर्च करना चेक करदे मुझे ठीक कर आपणकर कोई डेट मुझे कही बोले थर्टी एथ चेक कर दिखता आंसर ठीक अच्छे ना अक्टोबर नाइंटीन एटी नाइन डे देख मंडे बुझे तो आमर क्याल्कुलेशन अच्छी ठीक है ना ये छाड़ू जदि एटा है आउ खाली गोटे क्वेश्चन करदे डिस्कस है ना पिला कह सार खाली स्ट्राटेजी कहले कि पाठ देखो धरतु आ गए क्वेश्चन गोटे क्लक रू ने क्या क्लक कैलेंडर अल्फाबेट नंबर भैल्यू एटा होती 100% क्वेश्चन आ गए बेस क्वेश्चन धरत पचार आपणकर लेटर सीरीज रू है व्हाट इज द जदि मुझे हंड्रेड मत आंसर कहले व्हाट इज द हंड्रेड लेटर हंड्रेड लेटर हंड्रेड लेटर जदि मुझे ए रु स्टार्ट कली है ए रु जेड एमती मैंने ए बी सी डी एमती लिखिया स्टार्ट कली इन वन लाइन गोटे लाइन में लिखिया स्टार्ट कली अल्फाबेट्स गुड़ाक हंड्रेड लेटर कौनटा हे आप जानते इंग्लीश अल्फाबेट साइक्लिक ऑर्डर में मूव करे ए रु जेड जाए जीव पुणी ए रु स्टार्ट हे यू कौन दिस इज छब्बीस एंड हे सतैशा हूँ पुणी ए मुझे हंड्रेड लेटर कौन के आंसर पे उराली कहतु छब्बीस करेंगे डिवाइड हंड्रेड टाक आज छब्बीस करेंगे डिवाइड ताल छब्बीस के छब्बीस तीन हूँ सेवेन्टी एट सेवेन्टी एट आउट छब्बीस थ्री जा रिमाइंडर के बोले बैस बैस हूँ रिमाइंडर रिमाइंडर जो बैस रिमाइंडर हूँ बैस है बैस मान हम आंसर भी भी हम आंसर बुझे आप सेवेन्टी एट नहीं पारे और लेट्स से फोर ट्वेंटी सिक्स फोर जाके हंड्रेड फोर हंड्रेड फोर मैंने नेगेटिव रिमाइंडर हूँ माइनस चार जी नेगेटिव रिमाइंडर छब्बीस माइनस चार हूँ बैस एगेन बैस है बैस अप्रेस भैल्यू के भी सो आंसर हम कौन दिस इज लेटर भी क्लीयर तो एमती आप क्वेश्चन सल्व करेंगे कौन धरत आउ गोटे गोटे क्वेश्चन पचारूँ स्ट्राटेजी को बोले मुव करा गोटे दिन क्वेश्चन खाली डिस्कस करदे एक सेसन टाइम टी पाठ पढ़ा उपरि था ना आप टाइम भी वेस्ट हे देखो धरतु टाइम नौट एनी गोटे क्वेश्चन ना धरतु धरतु नाइन पी एम रु टेन पी एम भितर क्लक केतबले शहे सतुरी डिग्री कर मैंने आवर हैंड आवर हैंड आवर हैंड आ मिनिट हैंड भितर केतबले आंगेलटा हम शहे सतुरी डिग्री है हंड्रेड सेवेन्टी डिग्री हंड्रेड सेवेन्टी डिग्री केतबले हम नौटू दसटा भितर है अब दसटा बाजे से टाइम गोटे क्वेश्चन फ्रेम करदेली है केतबले शहे सतुरी डिग्री हम कौ टाइम रे आवर हैंड आ मिनिट हैंड भितर आंगेल हम शहे सतुरी डिग्री कले उराली उराली आंसर आंसर करूँ दूटा एगुड़ा तो आप मुहे मुहे करा कथा एगुड़ा सब मुहे मुहे सल्व हम बुझे नौटा नौटा मान नौटा मान कौन नौ अच्छी दस एगार बार प्रति डिजनटा के लिए थर्टी डिग्री थर्टी 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 तम मैंने नाइंटी डिग्री तो एटी होगा मुझे केते कहली शहे सतुरी नब्बे शहे सतुरी के एक्सट्रा आउ अशी डिग्री ठीक अच्छे आवर हैंड आउ मिनिट हैंड रिलेटिव स्पीड के रिलेटिव स्पीड के इलेवेन बाय टू डिग्री पर मिनिट आवर हैंड्र स्पीड हूँ के हाफ डिग्री पर मिनिट मिनिट हैंड्र स्पीड हूँ सिक्स डिग्री पर मिनिट डिफरेन्स जेहे दे आर मुविंग इन सेम डिरेक्शन तेल आम रिलेटिव स्पीड कनसेप्ट क्वेश्चन सल्व करते क्लक रिलेटिव स्पीड हूँ सिक्स माइनस हाफ हूँ के इलेवेन बाय टू डिवाइड करते इलेवेन बाय टू दिस इज शहे षाठी बाय एगार शहे षाठी बाय एगार कौन है दिस इज के चौदह हेले हाँ चौदह हेले छाला मानने नौटा पर है नौटा पर आौद मिनिट मान चौदह इंटू एगार के बिले चौदह इंटू एगार कले के वन फिफ्टी फोर नाई वन फिफ्टी फोर दरकार मतलब शहे षाठी षाठी ठीक अच्छे तब नाइन फोर्टीन है नाइन पॉइंट वन फोर मैं नौटा चौदह मिनिट आउ चौदह होल सिक्स बाय इलेवेन मिनिट्स है सिक्स बाय इलेवेन मिनिट सिक्स बाय इलेवेन पुणी फ्राक्शन के वन बाय इलेवेन नाइन पॉइंट जीरो नाइन सिक्स फिफ्टी फोर पॉइंट फाइव फोर
छाड़ जीवानी 9:14 रु टिके अधिका हेला हेटा होची आपनकर एंगल हबो 170 डिग्री जो अनुसार आपन ऑप्शन दिया त मार्क करियो आपन ठीक ये दो तीनटा क्वेश्चन खाली टिके आपनको रिवाइज कर देले सब बेसिक जिंस होडा आपन सब जानिथि होडा हेला ओके आमे कोठी थिले जोठी भी थिले आग को मूव करिया देखन तो पिले आपनकर गुट्टे सेकंड में टाइम दियंतु पिले गुट्टे सेकंड में टाइम दियंतु कौन कौन आपनको डिस्कस आज करिया थला म टिके जस्ट रिमाइंड कर दिए आपनकर देखो बोले कल आम डिस्कस करवा ओएसएससीजीएल मेन पेपर है ओएसएससीजीएल मेन रेपरटा ओएसएससीजीएल मेन रुक डिस्कस करी के जाए आम ओएसएससीजीएल गोटे सेकेंड हाँ दीपक हाँ हाँ वो तुमको फाइल भेज दिया उसको खाली नाम उसको खाली नेम चेंज करके भेज दो मुझे ठीक देख हाँ आपणकर टिल मुँ करी 100 लास्ट रूम स्टार्ट करते आरिथमेटिक करते अल्जेब्रा करते ओएसएससीजीएल मेन रेपर पिले यहाँ हूँ ओएसएससीजीएल मेन रेपर है कल आम करा स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी है स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी आम करापर अच्छी मेन्सुरेशन मैंने क्वेश्चन नंबर 1-50 आम करा ऑलरेडी अल्जेब्रा और आरिथमेटिक आपको कराई ठीक अच्छे कल आम ओएसएससीजीएल पेपर टा सॉल्व कराया मेन एग्जाम पे जो पिला पचारुले स्टूडेंट्स मैंने पचारुले मेन एग्जाम पे आपण मैंने बहुत जन पिला पचारुले मेन एग्जाम पे ठीक अच्छे तो मेन एग्जाम पे मुझक मेन रेपर ओएसएससीजीएल मेन रेपर करेबी है पर दिन आपको ये जो अकाउंटेंट पेपरटा अच्छी ओएसएससी अकाउंटेंट से थी जो ए एग्जाम होता अकाउंटेंट ओएसएससी ओएसएससी अकाउंटेंट मेन एग्जाम होता बेले है ना भल लेवल क्वेश्चन आसला चेक कर दूसरी स्ट्राटेजी को पे मूव करा खाली चेक करदे पाठ उपर टे चेक करापर आम स्ट्राटेजी को जाएगा स्ट्राटेजी हूँ आप कम्प्लीट कौन कहे से सब माया मोह माया आक्चुआल जिन हूँ पाठ पढ़ले परीक्षा क्लीयर हम तो से टिकेट देखि दिखे पुणी स्ट्राटेजी को पढ़ा देख 101 रु स्टार्ट ओएसएससी अकाउंटेंट आपंकर मेन एग्जाम पर मेन पेपर आपको सॉल्व कर ठीक अच्छे मेन पेपर मुझ सॉल्व करी आपको ओएसएससीजीएल मेन रेपर मुझ सॉल्व करदेवी ओएसएससी अकाउंटेंट या धरे भी 100 क्वेश्चन अच्छे से 100 एटी 100 200 क्वेश्चन होगा ओएसएससी मेन रहा 200 क्वेश्चन होगा ठीक अच्छे तापर आप एसईडब्ल्यू मेन आम चैनल सॉल्व कराई एसईडब्ल्यू मेन सेटा आप एसएससीजीएल टायर टू पिले एसएससीजीएल कड़े गला हाँ छाड़ एसएससीजीएल टायर टू है ओएसएससी नुह एसएससीजीएल टायर टू तार भी किसी पेपर्स मुझे सॉल्व करी बुझे सब मैंने रेगुलरली आम सॉल्व करवा सबुदिन नुह अल्टरनेट डे और प्रति वीक आम ट्राए करा गोटे कि दुटा मेन रेपर आम सॉल्व करा एसएससीजीएल जो एटा कम्प्लीट होगा ठीक अच्छे तेल आप मेन पर प्राक्ट हाँ स्टार्ट हो बहुत भल लेवल क्वेश्चन आसे ओएसएससी आप चेक करेंगे इसलिए आम एस ओएसएससीजीएल मेन पेपर आपको सॉल्व करुँ आप देखुए क्वेश्चन लेवल बहुत भल मैथ्र बुझे चाहे अकाउंटेंट ओएसएससी अकाउंटेंट हो चाहे ओएसएससी सीजीएल मेन हो है भल लेवल क्वेश्चन आसे एस आप एसईडब्ल्यू मेन से कॉलेज भी भल लेवल आसे सब आप चेक करेंगे ना तो आम मेन रेपर सल्व करा सहित यहाँ से सफिसीयंट है आपार्ट को आप आउ कौन करेंगे आपको जहाँ कहला आप सबुदिन गोटे गोटे पेपर सल्व करेंगे मैथ्र 50 टार्गेट दिया अनुसार आप करेंगे मैथ्र 50 ये से कले आपको बहुत क्लारिटी मिल प्राक्ट एनफ रही दरकार सबुदिन से जिन आप करेंगे आ रिजनिंगटा को प्रथम कम्प्लीट कर मैथ आउ डीआई के कम्प्लीट हेनी यहाँ इन प्रोसेस चली बुझे कम्प्लीट के इन प्रोसेस चल थोड़ा कंप्यूटरटा गोटे बहुत इजी पार्टा कंप्यूटरटा आप सबुद किसी टाइम मैंने अलर्ट करूँ से आप कम्प्लीट करा जिकेटा आप अलरेडी करेंगे तीन टा पार्ट हो मेजर आप 75% तीन टा पार्ट आसो रिजनिंग मैथ आउ डीआई से आपदेवी ओनली प्रैक्टिस हम क्लीयर है मुझको ट्राए कर सबुदिन रिजनिंग गोटे क्लास मैथ्र गोटे क्लास बहुत जल्दी मुझे करदेवी बहुत जल्दी मुझे ये करदेवी आ गए जिनस ये मैंने कौन आपण मैंने तो सान भाई गुड़ा आप कौन लुचाया है आपको जो आउ टे आगे मुझे कुआ गला डिलीट करदे कि हाँ जो आपको आउ टे आगे मुझे कही डिसिप्लिन डिसिप्लिन हेले आपड़ सक्सेस हे से जिन आम डिसिप्लिन आम चैनल कहीं ग्रो करूनी एवं जाए रिजन कौन ये आप देख लाइफ सब पार्ट्रे आप मैंने सक्सेस डिसिप्लिन दरकार आम टैलेंट हेनी खाली टैलेंट
ଓନ୍ଲି ଥ୍ରୁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ନେଭର ଗେଟ୍ ସକ୍ସେସ୍। ଖାଲି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ହେଲେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେନି। ଯଦି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଲେଖିଲିଣି ହିଁ, ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟର ପ୍ଲେସ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ବି ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେଇଯିବ। କେତେ ଏଇଟା ପିଲେ 20, ଏଇଟା ହେଉଛି କେତେ 1, ଏଇଟା ହେଉଛି କେତେ 12, ଏଇଟା ହେଉଛି 5, ଏଇଟା ହେଉଛି 14, ଏଇଟା ହେଉଛି 20। ଠିକ୍, ଯେମିତି ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲେଖୁଛି ସେମିତି ଆପଣ ବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲେଖିବେ ହେଲା। ଏଇଟାକୁ ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, 100ଠୁ କମ୍ ହେଉଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ଆଣ୍ଟିସିପେଟ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଡ଼୍ କ'ଣ ଚେକ୍ କରିବେ ଆପଣ, ବୁଝିଲେ? ତୋ ଏଇ ଜିନିଷ ଖାଲି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟରୁ ଜିନିଷ ହେବନି, ଖାଲି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟରୁ ହେଉଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଖାଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ହେଲା। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଆମେ ସେତେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ନୁହନ୍ତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ସିରିଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛେ, ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାର ନାହିଁ, ତାକୁ ମଝିରେ ଅଟକେଇ ଦେଉଛେ ହେଲା। ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ କରାହେଉଛି ମ୍ୟାଥ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ବ୍ୟାଚ୍, ସେଇଟା କେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ପୁଣି ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ରହୁନି ନା, ସେଇ ଜିନିଷଟା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୱାଏ ସବୁ ସେକ୍ଟର୍ରେ ଆପଣ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଯାଏ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ବି ହେଉ ଯେଉଁଠି ବି ହେଉ ହେଲା। ଅଲଦୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଆମର ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି, ବଟ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କଥା ମୁଁ କହିଲେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆମ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, ଏତେ କ୍ୱାଲିଟି କେଉଁଠି କେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏତେ କ୍ୱାଲିଟି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଥିବେ ନାହିଁ, ବଟ୍ ଆମର କ'ଣ ଅସୁବିଧା, ସକ୍ସେସ୍ କାହିଁକି ହେଉନି? ଚ୍ୟାନେଲ୍ 1 ଲକ୍ଷ ଉପରକୁ କାହିଁ ଯାଉନି ଏବେ ଯାଏ? କାହିଁକିନା ଆମର ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ରହିଲି କ୍ଲାସ୍ରେ ଏବେ ଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ପରୀକ୍ଷା କ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ଡିସିପ୍ଲିନ୍। ନୋ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ପରଫେକ୍ଟ ପିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଦେଖେଇବି ଖାଲି ମୁଁ ପରଫେକ୍ଟ। ଆରେ ପରଫେକ୍ଟ ନୁହଁ ନା, କେହି ପରଫେକ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ଆପଣ ତ ଆମ ମୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ା, ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଲୁଚିଆର କ'ଣଟା ଅଛି? ବହୁତ ଜଣ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ସାନ ଭାଇ ଆମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି, ବହୁତ ଜଣ ହେଲେ ସେ ଜିନିଷ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ନାହିଁ ବୋଲି ଜିନିଷ ଏବେ ଯାଏଁ ସକ୍ସେସ୍ ଆଡ଼କୁ ମୁଭ୍ କରିନି। ସେତେ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ହେବା କଥା ସେ ରେଟ୍ରେ ହେଇନି। ସେମ୍ ଆପ୍ଲାଏଜ୍ ଟୁ ୟୋର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଲ୍ସୋ। ଆପଣ ଯଦି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ରହିବେ, କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି କିନ୍ତୁ ସେଇ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍କୁ ଆପଣ ଷ୍ଟିକ୍ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ସକ୍ସେସ୍ ଆଡ଼କୁ ମୁଭ୍ କରିବେ। କିଛି ମ୍ୟାଜିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ନାହିଁ, କେହି ବି ଦେଇପାରିବେନି। ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ସକ୍ସେସ୍ ଆଡ଼କୁ ମୁଭ୍ କରିବେ, ଖାଲି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟରେ କିଛି ହେବନି। ଆପଣ କହିଲି ମୁଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭିତରେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଲି କି ନାହିଁ, ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ସବୁ ଯିବା ଚ୍ୟାନେଲ୍, ମାନେ ସେତେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ସାରା ଚ୍ୟାନେଲ୍ସ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆମଠୁ ବହୁତ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି? ବିକଜ୍ ଦେ ଆର୍ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ଡ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ସୋ ସେଇ ଜିନିଷ ଆପଣ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ଆଡ଼କୁ ମୁଭ୍ କରିବେ ହଁ। ଆଉ ଆମର କ୍ଲାସେସ୍ ଗୁଡ଼ା ଆପଣ ବ୍ରିଫ୍ କରିଦେଲି, କାଲି ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ ଯାହା ବି ହେଲେ କରିବା ଓଏସ୍ଏସ୍ ସିଜିଏଲ୍ ମେନ୍। ମୁଁ ବି ସେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ଟା ଆଣୁଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ହେଲା। ଓଏସ୍ଏସ୍ ସିଜିଏଲ୍ ମେନ୍ଟା କାଲି ଆମେ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପାର୍ଟଟା ବଞ୍ଚିଲା, 50ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା, ସେଇଟା ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। ଲୁଚାରେ କ'ଣଟା ଅଛି? ସତରଥର ଆପଣ କହିଲେ କ'ଣ ପଢ଼ଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଲୁଚାରେ କ'ଣଟା ଅଛି? ଆଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣ ଆସିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓସ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଆସିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମେନ୍ର ପେପର୍ ମୁଁ ସଲ୍ଭ କରିଛି, ଆରିଥମେଟିକ୍ ଆଲଜେବ୍ରା ମୁଁ ସଲ୍ଭ କରିଛି ହେଲା, ମାନେ ମେନ୍ର ଆଉ 2ଟା ପାର୍ଟ, ମାନେ 50ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ 50ଟା ବଞ୍ଚିଲେ ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାଲି କରେଇଦେବି 100% ହେଲା। କାଲି ମେନ୍ସୁରେସନ୍ ଆଉ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି, ମେନ୍ସୁରେସନ୍ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି 50 କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଅଫ୍ ଓଏସ୍ଏସ୍ ସିଜିଏଲ୍ ମେନ୍ କାଲି ଆମେ ଯାହା ବି ହେଲେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ମ୍ୟାଥ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ଯେଉଁ ଚାଲିଥିଲା ତାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖିବା, ତା ସହିତ ଓଏସ୍ଏସ୍ ସିଜିଏଲ୍ର ପ୍ରିଭିଅସ୍ ଇୟର୍ ପେପର୍ସ ମୁଁ ରେଗୁଲାରଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସଲ୍ଭ କରୁଥିବି। କ'ଣ ପ୍ଲାନିଂ ରହିବ ତା'ର ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ରିଫ୍ କରିବି ହେଲା। ବଟ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ହି ମାନେ ଭାଲ୍ୟୁ ଆଡ଼ିସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ, ଡେଫିନେଟ୍ଲି ସବୁ ଫଲୋ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଥ୍, ବିଆଇ ଆଉ ରିଜନିଂ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ହିଁ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ଲି ର୍ୟାପ୍ ଅପ୍ କରିଦେବି, ବୁଝିଲେ? ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଫଲୋ କରିବେ ଏଣ୍ଡ ଯାଏଁ, ସେ ଏତିକି ହିଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ। ଯେତିକି ପାଠ ପଢ଼ା ହେବ ସେତିକି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେବ ଓଏସ୍ଏସ୍ ସିଜିଏଲ୍ କ୍ଲିୟର୍ କରିବାକୁ। ଠିକ୍, ତ ସେଇଆ ଜିନିଷ ହେଲା, ପ୍ରାୟ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ରିଫ୍ କରାହେଇଗଲା। ଆପଣ ଗୋଟେ ଓଭରଅଲ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ମିଳିଥିବ କେମିତି କ'ଣ କରିବାର ଅଛି। ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତୁ, ପୁରା ଡେଡିକେଟେଡ଼ଲି କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ଓନ୍ଲି ୱେ ଟୁ ସକ୍ସିଡ଼। ଆଉ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ, ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କିଛି ନାହିଁ ପିଲେ ହେଲା। ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ମ୍ୟାଜିକ୍ ପିଲ୍, କିଛି ମ୍ୟାଜିକ୍ ପିଲ୍ ନାହିଁ ହେଲା। ମ୍ୟାଜିକ୍ ପିଲ୍ ଖାଲି ବାବାମାନେ ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଫ୍ରଡ଼୍ମାନେ ଦିଅନ୍ତି ମ୍ୟାଜିକ୍ ପିଲ୍, ବାବା ଯେଉଁ ବାବାମାନେ ପସନ୍ଦନି ସେଇମାନେ ଦିଅନ୍ତି ହେଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ବାବାମାନଙ୍କ ମୁଁ ନାଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଜଣେ, କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ, ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ନାଁ ମନେ ପଡ଼ୁନି, ସେ କୃଷ୍ଣ ଭଳିଆ ହେଉନଥିଲେ, କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁ, ମୋର ନାଁ ମୁଁ ରିକଲ୍ କରିପାରୁ। ତ ସେଇ ଜିନିଷ ସେମାନେ ଖାଲି ମିଛ କଥା ଦେବେ, ବଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆପଣ ଏଫର୍ଟ ଦେବେ, ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କରିବେ, ୟୁ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ଟୁ ସକ୍ସେସ୍। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ଓନ୍ଲି ୱେ। ଯାହା ଯାହା କୁହାହେଲା ମ୍ୟାଥ୍ର ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଡେଫିନେଟ୍ଲି ୟୁ ଆର୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଗେଟ୍ ଟୁ ସକ୍ସେସ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।